रूस के मून मिशन को बड़ा झटका लगा है। 47 सालों में लूना 25 रूस का पहला मून मिशन था। लैंडिंग से ठीक पहले लूना 25 का रोस्कोसमोस से टूट गया संपर्क। चांद पर रूस की पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने रविवार को इस बात का खुलासा किया, लूना 25 असली पैरामीटर्स से अलग चला गया था। इसके साथ ही वह तय कक्षा की जगह दूसरी कक्षा में चला गया, जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए था। प्री लैंडिंग के लिए ऑर्बिट में भेजने के लिए थ्रस्ट जारी किया गया था, तभी ऑटोमेटिक स्टेशन पर इमरजेंसी हालात पैदा हुए और मिशन का मैन्यूवर पूरा नहीं हो पाया। उसने 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगाना चंद्रयान 3 से पहले शुरू किया था और वह लैंड होने वाली ऑर्बिट में इंटर करने वाला था, जो 18 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर के दायरे में चक्कर काटने के लिए अपने आप को डिब्यूट करने वाला था। और इसके लिए वह जो ऑटोमेटिक स्टेशन था लूना 25 का, उसके अंदर ऐसा सिस्टम फीड किया गया था कि वह अपने से ही इम्पल्स सेंड करे रोस्कोसमोस को, यह पता चल जाए कि अब इसकी डीबूस्टिंग की जाए। डीबूस्टिंग का मतलब इसकी गति को कम किया जाए, जिससे यह अपने ऑर्बिट में चला जाए, जिसे फ्री लैंडिंग ऑर्बिट कहा जाता है। दोस्तों, साल 1976 के बाद लॉन्च होने वाला यह मिशन रूस के लिए बेहद अहम था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने पहला लूनर मिशन लॉन्च किया था। फ्रांस के अंतरिक्ष विज्ञानी और उल्कापिंडों पर शोध करने वाले फ्रैंक मार्चिस के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से लूना 25 क्रैश हो गया। इस गड़बड़ी से लूना ग्लोब लैंडर जो था तबाह हो गया। फ्रैंक मार्चिस के मुताबिक क्रिटिकल क्लासरूम एडजस्टमेंट के समय अप्रत्याशित लंबे इंजन के ओवरफायर की वजह से चंद्रमा पर क्रैश हो गया। तकनीकी खामी के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 से संपर्क नहीं साधा जा सका। रोस्कोसमोस ने एक दिन पहले बताया कि लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त असामान्य स्थिति आ गई, जिस वजह से लूना 25 ठीक ढंग से ऑर्बिट बदल नहीं सका। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई थी जब सोमवार के लिए नियोजित टचडाउन से पहले शनिवार को 11:10 GMT पर यान को प्री लैंडिंग कक्षा में ले जाने की कोशिश की गई। स्पेस एजेंसी ने बताया कि विशेषज्ञ अचानक आई दिक्कत से निपटने में असफल रहे। सबसे बड़ी बात, उसे पॉइंट पर इसे वापस आने के लिए जहां पर इसे डिबिस्टिंग करना था अब वक्त लगेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस मिशन पर अब फेलियर का खतरा भी मंडरा रहा है। लूना 25 मिशन का बजट करीब $200 मिलियन था, यानी रूस को इस मिशन के फेल होने से 16.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इस $200 मिलियन के बजट में स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करना, लॉन्च ऑपरेशन, मिशन कंट्रोल और चांद से मिले डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल था। अब देखना यही है कि आगे क्या होता है। लूना 25 रोस्कोसमोस से डिब्यूस्टिंग के लिए संपर्क कर पाएगा या नहीं, यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बने रहें वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।